परमेश्वर का धर्म क्या है, क्या धर्म है परमेश्वर का। एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, एक आदरणीय संत उस ट्रेन में मेरे साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे उन्हें पता चला कि मैं एक मसीही सेवक हूं, वो आराम से लेटे थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। एक जिज्ञासा बढ़ गई, आप मसीह सेवक हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैंने बड़ी निम्रता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ उससे कहा, जरूर अगर मेरे पास प्रश्न का उत्तर होगा मैं आपको उत्तर दूंगा। प्रश्न रखा गया कि आप ईसाई लोग, आप क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग क्यों अपने धर्म का प्रचार करते हैं? आपको जब भी मौका मिलता है कभी पर्चा बांटते हैं, कभी किताब बांटते हैं, कभी कभी बाजारों पर, कभी सड़कों पर, कभी खुले में, कभी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। और मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मैं जब आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं अब आप, मैंने आदरणीय मित्र से सवाल पूछा, मैं आपको इसका उत्तर बताना चाहता हूं कि हम अपने धर्म का प्रचार क्यों करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, धर्म है क्या, धर्म है क्या, और परमेश्वर का धर्म क्या है? क्या आप एक एक सफेद पेपर पर लिख देंगे कि परमेश्वर का धर्म यह है? क्या आप परमेश्वर की जाति ठहरा सकते हैं? क्या आप परमेश्वर का धर्म ठहरा सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, हम परमेश्वर को किसी धर्म से बांध नहीं सकते। मेरे प्रियो, आदरणीय संत कबीरदास जी कहते हैं, आदरणीय संत कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर वहां है जहां प्रेम है, परमेश्वर वहां है जहां दया है, परमेश्वर वहां है जहां क्षमा है। और मेरे प्रियो, प्रेम दया और क्षमा का समीकरण यीशु मसीह ही तो है। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरे प्रियो, पहली शताब्दी में क्रूस एक गंदा शब्द हुआ करता था, एक भयानक शब्द हुआ करता था। कोई क्रूस के विषय में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो मृत्यु दंड से संबंधित था। कोई उस विषय में सोचना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो एक भयानक शब्द था। क्रूस पर बड़े गंभीर अपराधियों को जिंदा क्रूस पर चढ़ा दिया जाया करता था। उनके हाथों में कीले ठोक दी जाती थी, उनके पैरों में कीले ठोक दी जाती, उन्हें कोड़े मारे जाते थे। गंभीर अपराधी लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। कोई इसके विषय में बात नहीं कर सकता, कोई इसके विषय में सोचना भी नहीं चाहता था। लेकिन आपको पता है, आपको पता है, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, वो गंदा भद्दा शब्द इस संसार का सबसे पवित्र शब्द बन गया, जिसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता था। आज लाखों करोड़ों सर उस क्रूस के आगे झुक जाते हैं। मेरे प्रियो, सोचिए, जब लकड़ी का एक टुकड़ा, लकड़ी का एक टुकड़ा जिसके ऊपर यीशु मसीह लटकाया गया, उसका जीवन बदल गया, उसकी काया बदल गई। कल्पना कीजिए, अगर वो यीशु आपके जीवन में आ जाए तो वो क्या कुछ कर बैठेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में धर्म देने नहीं आया, आपका धर्म बदलने नहीं आया, लेकिन वो आपको जीवन देने आया, क्योंकि वो जीवन का स्रोत है, वो जीवन का आरंभ है, वो जीवन की बुनियाद है, वो प्रेम है। मुझे अपने जीवन की एक सुंदर घटना याद आती है। एक बार मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, अचानक मेरा पैर सीढ़ियों पर से फिसल गया। मैंने अपनी बेटी को कस के पकड़ लिया, क्योंकि मेरा इरादा सिर्फ एक था कि उसे चोट नहीं आनी चाहिए, उसको खरोच नहीं लगनी चाहिए। शी वॉज ओनली 2 years old, केवल 2 साल की थी। जब मैं सीढ़ी से नीचे गिर गया, मैंने उठकर उसे देखा। मेरे प्रियो, जब हम एक संसारिक मनुष्य होकर, एक संसारिक माता पिता होकर अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, सोचिए, सोचिए वो आपसे कितना प्यार करता होगा, कितना प्यार करता हो। क्यों? क्योंकि वो जीवन का आरंभ है, जीवन का स्रोत है। एक बार क्या हुआ, जब मेरी बड़ी बेटी आर्निका का जन्म हुआ, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसे 3 दिन आईसीयू में रखा गया, और 3 दिन तक डॉक्टर्स ने हमें उसे देखने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। मैं आईसीयू के एक छोटी सी विंडो, एक कांच की विंडो में उसको देखता था। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, मैं घंटों उस कांच से खड़े होकर उसको देखता रहता, और मेरे मन में सिर्फ एक एक प्यास, एक तड़प थी, एक
इच्छा थी कि मैं उसे एक बार देखूं, एक बार देखूं, वो मेरी बेटी है, मैं उसे छूना चाहता हूं, मैं उसे प्यार करना चाहता हूं, मैं उसके गालों को छूना चाहता हूं। एक तड़प, एक प्यास पिछले दो दिन से मेरे मन में थी। घंटों पागलों की तरह उस कांच के बाहर खड़ा रहता, कई बार डॉक्टर्स के पास जाता, डॉक्टर साहब एक बार हम मिल सकते हैं क्या? डॉक्टर हमेशा कहते वेट करिए, वेट कीजिए। एक दिन, तीसरे दिन जब मैं उस कांच के बाहर खड़ा था, परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तू उससे इतना प्रेम क्यों करता है? मैंने कहा, प्रभु वो मेरी बेटी है, अभी तो तूने उसे देखा ही नहीं, अभी तो तूने उसका नाम भी नहीं रखा, अभी तो तूने उसे छुआ नहीं, कितना तड़पता है, उससे मिलना चाहता है। देख, इससे बढ़कर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जिसे तूने देखा नहीं, जिसे तूने देखा नहीं, तू उससे प्रेम करता है, और मैं तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से तुझे जानता हूं। सोच मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूंगा। मैं अपने घुटनों पर आ गया, मेरे आंखों में आंसू निकलने लगे, और मैंने अपने जीवन में पहली बार पिता बनकर, एक पिता बनकर उस परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया। मैंने अपने जीवन काल में प्रभु का प्रचार ज्ञान से किया, बुद्धि से किया, समझ से किया, लेकिन उस घटना के बाद मैंने प्रभु के प्रचार को अनुभव से करना सीख लिया, अनुभव के साथ। एक पिता का अनुभव, एक सच्चा अनुभव, किताबी बातें नहीं, किताबी सिद्धांत नहीं, तर्क वितर्क नहीं, एक अनुभव। एक पिता अपने बच्चे के लिए कैसा अनुभव करता है, एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसे अनुभव करती है। राजस्थान की एक बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण घटना, कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे, और खेलते खेलते एक बच्चा कुएं में गिर गया। जो दूसरे बच्चे थे वो डर गए, वो उस बच्चे के घर की तरफ भागे जो बच्चा कुएं में गिर गया था। माई, राजू कुएं में गिर गया है, जल्दी आओ, माई राजू कुएं में गिर गया, वो ये चिल्लाते हुए राजू के घर की तरफ भागे। राजस्थान एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, जहां माताएं बहने अपने सर पर बिना आंचल ढके घर से बाहर नहीं निकलती। राजू की मां घर में थी, लेकिन जब उसने सुना राजू कुएं में गिर गया है, उसने समय नहीं लगाया, देर नहीं की, उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वो अपने सर को ठीक से ढक ले, अपने आंचल को ठीक से ढक ले, वो जैसी थी उठकर भागी। जब वो उस कुएं पर पहुंची, वहां बहुत सारे लोग झुंड बनाकर खड़े थे और विचार कर रहे थे, तर्क वितर्क कर रहे थे कि राजू को कैसे बचाया जाए। कोई कह रहा था बाल्टी लाओ, रस्सी लाओ, ये करो, सीढ़ी लगाओ, लोग विचार कर रहे थे। लेकिन इतने में राजू की मां उस कुएं में गिर गई, उसने उस कुएं में छलांग लगा दी, उसने राजू को पकड़ लिया। कुछ देर के बाद लोगों के प्रयास के साथ उनको बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो गई थी, राजू की मां संसार से चली गई थी, लेकिन राजू को जीवन दान दे गई। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत से संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर आए, सब आदरणीय हैं, सब आदरणीय हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जान यीशु मसीह ने दी है, छलांग यीशु मसीह ने लगाई है, ज्ञान तो सबने बांटा, लेकिन जान यीशु मसीह ने दी है। क्यों? क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। केवल एक सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि के लिए प्राण दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। केवल एक सृष्टिकर्ता, केवल एक मां, केवल एक पिता अपने बच्चे के लिए जान दे सकता है, कोई नहीं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार नहीं, क्योंकि ये संबंध है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने हमारे लिए जान दिया, हमारे अधर्म, हमारे पाप को, बोझ को उठा लिया। पिछले दिनों एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। एयरपोर्ट पर एक छोटा बच्चा जिसने वॉमिट कर दी, वहां बैठे आसपास के लोग उस स्थान से उठकर चले गए। कोई वहां खड़ा नहीं होना चाहता था, लेकिन उसकी मां, उसने उसे नहीं छोड़ा। उस गंदगी को उठाने के लिए कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने देखा एक पढ़ी लिखी महिला, एजुकेटेड महिला,
उसने अपनी बच्चे की गंदगी को साफ किया, उठाया उसको, उसको फिर से तैयार किया, उसका हाथ मुंह धुलाया। परमेश्वर मेरे मन से बात करने लगा, देख इस गंदगी को कोई छूना नहीं चाहता, लेकिन इसकी मां जिसने उसे जीवन दिया है वो उससे प्रेम करती है। एक एक सृष्टिकर्ता ही अपनी सृष्टि का बोझ उठा सकता है, जिसने जन्म दिया है केवल वही वही बोझ को उठा सकता है। एक मां अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, मैंने बड़े ध्यान से देखा कि मां उस बच्चे को खाना खिलाने से पहले पहले खुद खाना चखती, वो सुनिश्चित करना चाहती थी कि खाना उतना गर्म नहीं होना चाहिए जिससे उसके बच्चे को हानि हो। वो गर्म गर्म खाना था, वो उसको फूंक मारती, उस खाने को उस लेवल पर तैयार करती जब उसका बच्चा उसको स्वीकार कर सकता है। परमेश्वर मेरे हृदय से बात करने लगा, देख देख यह है चिंता, यह है प्रेम। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कौन है एक बड़ा विषय है। यीशु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? कोई संत कहता है, कोई ईसाइयों का परमेश्वर कहता है, कोई कहता है अरे वो तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। अंग्रेजों का परमेश्वर कैसे हो गया? क्या परमेश्वर केवल अंग्रेजों के लिए है? जिस परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, जिसने चंद्रमा को बनाया है, जिसने चांद को बनाया, जिसने सूर्य को बनाया, किसी विशेष जाति के लिए, किसी विशेष धर्म के लिए? कभी नहीं। वो परमेश्वर सबका है, अगर भलाई है तो सबके लिए। इसलिए भारतीय दर्शन, भविष्य, महापुराण, प्रतिसर्ग, भरतखंड, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पूर्व, इससे पहले यीशु मसीह का जन्म हो, उसकी भविष्यवाणी भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखी गई, उसका परिचय भारतीय दर्शन शास्त्र में किया गया। श्वेत वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्व संभवम ईसा मसीहा इति च मम नाम प्रतिष्ठनम। श्वेत वस्कत्रम, निष्कलंक परमेश्वर संसार में आएगा, निष्कलंक परमेश्वर देधारित होगा। ईश पुत्रम, वो परमेश्वर का सामर्थ होगा, द फुलनेस ऑफ गॉड, पूर्ण परमेश्वर। कोई संत नहीं होगा, कोई महात्मा नहीं होगा, कोई गुरु पीर पैगंबर नहीं होगा, फुलनेस ऑफ गॉड, द कंप्लीट गॉड। ईश पुत्रम क्वारी गर्व संभवम, जिसका जन्म क्वारी कन्या से होगा, और उसका नाम ईसा मसीहा इति च मम नाम प्रतिष्ठितम, संसार के सब नामों से बढ़कर यीशु मसीह नाम रखा जाएगा। इसलिए प्रकाश प्रेरित के काम पुस्तक 4:12 में लिखा है, आसमान के नीचे पृथ्वी पर बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जिस नाम से उद्धार है वो नाम केवल यीशु मसीह का नाम। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने उसने हमारे लिए एक यज्ञ किया है। प्रजापति यज्ञायज्ञस्य तद्रक्तम परमात्मनम पुण्यदान मलयाग्नम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम पुरोहित यज्ञायज्ञम यज्ञायज्ञस्य। उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक यज्ञ किया है, उस यज्ञ में उसने हमारी नंगता को, हमारे अधर्म को ढका है, हमारे झूठ को ढका है, हमारी बुराइयों को, हमारे पाप को। यीशु मसीह, हम बात करें, यीशु मसीह जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। अरे यीशु मसीह आया क्यों? अभी हम इस बात को नहीं करेंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अभी हम बात करेंगे यीशु मसीह संसार में आया क्यों? क्यों आया? उसने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। क्यों? क्यों? मैं आपको बताता हूं। बाइबल कहती है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, अपनी समानता में बनाया था, मनुष्य के जीवन में खोट नहीं था, पाप नहीं था, बुराई नहीं थी, वो परमेश्वर की समानता में था। वचन बताता है, परमेश्वर जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने आता था, उनके साथ एक संगति होती थी। प्रत्येक दिन परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलता था, लेकिन एक दिन, वन डे, जब परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया, बाइबल कहती है आदम और हव्वा छिपने लगे और डरने लगे, क्योंकि उन्होंने पाप किया, उन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, उन्होंने परमेश्वर के सिद्धांत को तोड़ दिया, परमेश्वर के उपाय को तोड़ दिया, उन्होंने बुराई की, अधर्म इस संसार में आ गया, पाप इस संसार में आ गया। इसलिए मनुस्मृति अध्याय 2 में लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहि माम पुण्यक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, पाप कर रहा हूं। हम सब, चाहे हम किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, किसी भी भाषा के क्यों ना हो, किसी भी कुल क्षेत्र के क्यों ना हो, आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, आप कहते हैं मैं इस जाति का हूं, बड़ी जाति का हूं, मैं इस राज्य का हूं, इस देश का हूं, आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी राज्य के क्यों ना हो, किसी भी देश के क्यों ना हो, पापम पाप आत्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहि माम पुण्यक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हम सब पापी हैं, बाइबल कहती है सबने पाप किया, एक भी ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया। श्रीमद भागवत रहस्य में डोंगरे जी महाराज कहते हैं, मन वचन और कर्म से हर व्यक्ति पापी है। अब इस पाप का उपाय क्या है, इससे कैसे बचेंगे? बाइबल कहती है आदम और हव्वा ने अपने पाप को ढकने के लिए क्या बनाया,
अंजीर के पत्ते अपनी नंगता को ढका। मैं सोचता हूं क्या मूर्खता थी, अंजीर के पत्ते कब तक चलते? अगर इतनी गर्मी पड़ती तो पता चलता कि एक घंटे में अंजीर के पत्ते सूख जाते और आदम और हव्वा फिर नंगे हो जाते, फिर एक बार और बनाया जाता। प्रयास, मनुष्य का प्रयास, मनुष्य के प्रयास से मनुष्य अपनी नंगता को नहीं ढक सकता। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया, परमेश्वर ने एक निष्कलंक मेमने का वध किया और उसके चमड़े से मनुष्य की नंगता को ढका। मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में मनुष्य की शारीरिक नंगता को ढका गया और क्रूस पर मनुष्य के मन की नंगता को ढका गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में क्यों आया? ताकि वो आपके अधर्म, आपके पाप, आपके बोझ को उठा ले। कोई नहीं उठाना चाहता। मैं एक अंतिम घटना बताकर आपको समापन की ओर लेकर चलूंगा। कई वर्षों पूर्व मैं अपने एक मित्र से, जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, एक खिलौना मांग कर ले आया, एक टॉय मांग कर ले आया, इस विश्वास के साथ कि मैं कल ये खिलौना तुमको वापस कर दूंगा। जब मैं उस दिन उस खिलौने से खेल रहा था, वो खिलौना टूट गया। पहले ही दिन वो खिलौना टूट गया। मेरे मन में एक भय आ गया, एक डर आ गया, कल मैं अपने मित्र को ये खिलौना कैसे वापस करूंगा? वो मुझसे लड़ेगा, मुझे मारेगा, मुझे सताएगा। मेरे मन में एक भय, एक डर आ गया। मैं सारा दिन रोता रहा, सारी शाम रोता रहा। शाम को 8 बजे मेरे पिताजी जब ऑफिस से घर आए, उन्होंने मुझे देखा। वो बहुत थके हुए थे, निराश थे, दिन भर की थकान उनको थी। लेकिन उन्होंने आते ही मुझे देखा, मेरे आंसुओं को पोंछा, वो गंभीर हो गए। क्या हुआ? मैंने अपने पिता को सारी घटना बता दी। मेरे प्रियो, मैं रो रहा था लेकिन मेरे पिताजी हंसने लगे। उन्होंने मेरे आंसुओं को पोंछा, जैसे जैसे प्रभु के दास ने बताया कि उसने हमारे आंसुओं को इकट्ठा किया है। वो परमेश्वर हमारे आंसुओं को इकट्ठा करता है, उनकी कदर करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मेरे पिताजी ने मुझे तैयार किया और मुझे बाजार लेकर गए। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे लिए खिलौने खरीदे, एक नहीं दो, एक मेरा कर्ज चुकाने के लिए और दूसरा मेरे आनंद के लिए। मेरे प्रियो, जब एक संसारिक पिता अपने बच्चे के कर्ज को चुकाता है, तो परमेश्वर जिसने आपको रचा है, बनाया है, जिसने आपकी सृष्टि की है, वो आपको पाप के कर्ज में कैसे छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा? इसे लिखा है, ना योगेन ना सांख्येन कर्मणा नूना विधाया ब्रह्मिकत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान। ना तुम्हारे योगा करने से, ना तुम्हारे माला फेरने से, ना योगेन ना सांख्येन कर्मणा नूना विधाया, और ना तुम्हारे धर्म के कामों से नहीं, ब्रह्म एकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, मेरे अधर्म कैसे क्षमा होंगे, मेरे पाप कैसे क्षमा होंगे? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतनम तत्व प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। गीता उसका 18 अध्याय 62 श्लोक, तुम्हें शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतनम तत्व प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, अर्थात मनुष्य अपने प्रयास, अपने धर्मों से अपनी नंगता को नहीं ढक सकता, उसे परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, वो अनुग्रह आज से 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर प्रकट किया गया। यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। वो नंगा किया गया ताकि हमारे तन पर कपड़े हों, वो अधर्मी बन गया ताकि हम धार्मिक हो जाएं, वो हमारे लिए शून्य बन गया ताकि हम शिरोमणि बनाए जाएं। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह जीवित है। वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया, वो जीवित है और युगानुयुग तक जीवित है। यीशु मसीह सिद्धांतों में जीवित नहीं है। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक PhD होल्डर हूं, यू कैन नॉट मेक मी फूल, आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। यीशु मसीह केवल सिद्धांतों में, कल्पनाओं में, भावनाओं में जीवित नहीं है, लेकिन वो इतिहास में जीवित है। मेरे प्रियो, इस संसार में बड़े 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 कारनामे हुए, बड़े बड़े दार्शनिक, तत्व ऋषि, सम्राट आए, इतिहास उन्हें भूल गया, उनके नाम इतिहासों की पुस्तक में बंद हो गए, युग आए, लोग बदल गए, भूल गए, लेकिन यीशु मसीह आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। फरिश्तों ने कहा था, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, और उसका राज्य कोई किला, कोई महल नहीं, उसका राज्य उसके बेटे और बेटियां हैं, उसका राज्य आप हैं। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उसका राज्य बढ़ता जाएगा।
मेरे प्रियो, इस संसार में सभी आए मर गए, लेकिन यीशु मसीह जीवित है। संसार में बहुत सारे इन्वेंशन होते हैं, उन इन्वेंशन को देखने के लिए हमें तारीखों से गुजरना पड़ता है, उन यादों को स्मरण करने के लिए हमें तारीखों से गुजरना पड़ता है। तारीख महत्वपूर्ण है, तारीख इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्रियो, किसी ने कहा है कि इतिहास में से यीशु को हटा दो तारीख बिखर जाएगी, इतिहास में से यीशु को हटा दो तारीख बिखर जाएगी। मेरे प्रियो, उनकी तारीखों को इकट्ठा करने वाला केवल एक है, उसका नाम है यीशु मसीह। ADBC एनाटोमियन बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व ईसावाद, अगर इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं तो वहां आपको एक नाम मिलेगा, एक नाम मिलेगा जिससे आपको गुजरना होगा, उसका नाम है यीशु मसीह। इस संसार में बड़े बड़े सम्राट आए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, सबके राज्य बंद हो गए, सबके कारखाने बंद हो गए, लेकिन यीशु मसीह का राज आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं जीवित है। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते, आपको बिना ही अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु जाने। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं, कहें, प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। मुंबई से आंटी एनी और सिस्टर बिली ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी आर्थिक सहायता की है। हम सिस्टर को, उनके पूरे परिवार को प्रभु के चरणों में रखते धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस परिवार को अब तक संभाला और आशीष दी। साथ ही विशेष प्रार्थना करते हैं हम आंटी एनी के लिए। 26 मई को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। हम जानते हैं कि जीवन और जीवन की सब बातें परमेश्वर से आरंभ होती हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आंटी को ब्लेस करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमेशा उनके साथ चले और प्रभु का अनुग्रह उनके साथ हो जब वो इस नए वर्ष में, अपने बर्थडे के नए वर्ष में कदम रखते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए। अगर आप किसी भी निराशा में, परेशानी में, दुख में, चिंता में, आप विश्वास रखिए प्रभु जीवित है और उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं। आप उसके निकट आए, वो निश्चित आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आइए हम सब बातों के लिए प्रभु के चरणों में जाए और प्रार्थना करें। महान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करते हैं आंटी एनी के लिए, सिस्टर बिनी के लिए, पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्रभु जी पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने के लिए अपनी आर्थिक सहायता हमारे कार्यक्रम को दी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने उन्हें अब तक संभाला, आशीष दी और आगे भी संभाले पिता। हम प्रार्थना करते हैं आंटी एनी के लिए विशेष रूप से, जब वो एक नए वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, आपने उन्हें एक और नया वर्ष उनके जीवन में जोड़ा है। वो अपने बर्थडे को 26 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं पिता। हम यीशु मसीह के प्रेम, अनुग्रह, दया में उन्हें ढांपते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप उनके साथ साथ चलें, उनकी मदद करें, उनकी अगुवाई करें और उनके सब कामों में उनके साथ बने रहें। आपने उन्हें अब तक संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी तमाम उन लोगों के लिए जो निराश हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं। प्रभु जी बिजनेस में, नौकरी में, पढ़ाई लिखाई में अगर कोई ऐसी बात है प्रभु जी जो रुकावट है, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह, वचन कहता है आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आप अपनी तरस का हाथ रखें इस समय, जितने बीमार लोग हैं हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आप शिफा को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें। जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विशेष रूप से हमारे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और देश की तमाम उस सत्ता के लिए प्रार्थना करते हैं जो देश की अगुवाई कर रही है पिता। तमाम ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके और उनके परिवारों पर आपका अनुग्रह बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है और हमारा विश्वास यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रदर्शक को हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप हमारे कार्यक्रम को ब्लेस करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम को पार्टनर करना चाहते हैं, हमारी मिनिस्ट्री को पार्टनर करना चाहते हैं, आप जरूर हमसे इस फोन नंबर पर बात कर सकते हैं या इस ईमेल पर हमें आप लिख सकते हैं। हम निश्चित आपकी ईमेल का और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। अगर आप हमारे गुरुकुल ऑफ क्राइस्ट के एजुकेशन सिस्टम में भाग लेना चाहते हैं, 9 मंथ्स का हमारा जो डिप्लोमा कोर्स है उसे आप करना चाहते हैं, आप जरूर हमें संपर्क करें। इसके विषय में हम आपको अधिक जानकारी देंगे। आप फोन करके
इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। ये 9 months का कोर्स है डिप्लोमा इन थियोलॉजी, इससे आप कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप गृहिणी हैं, आप नौकरी करते हैं, आप फुल टाइम बाइबल कॉलेज में नहीं जा सकते, आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा घर बैठकर प्रभु के विषय में और प्रभु के राज्य के विषय में और बातों को गहराई से सीख सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका परिश्रम, हमारा परिश्रम हमारे देश के लिए एक बड़ी आशीष को लाएगा और एक दिन भारत देश प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। God bless.